इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लंका भी विजिट करना चाहते हो, फेरी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि फेरी का प्राइस कितना है, क्या टाइमिंग्स रहती हैं। अगर आप लोग ऐसे आ रहे हो मेन कुआलालंपुर से लंका भी जाने के लिए, तो आप बस रात की पकड़ो ताकि सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच जाओ और आराम से फेरी पकड़ के 1.5-2 घंटे में आप लंका भी पहुंच जाओगे। सो इज देयर एनी सीट अवेलेबल? ओके सर, गिव मी 2 टिकट्स। कुछ इस तरीके की हमें टिकट मिली है, 316 और 317 नंबर। अरे क्या बात है, ये तो खाली सी लग रही है पूरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, पर फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 20th और मैं हूँ भाई इस टाइम पे फेरी टर्मिनल से जस्ट 8-10 किलोमीटर पहले। जगह का नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, हमने बस स्टेशन के पास ही लास्ट नाइट होटल ले लिया था, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो। कल हमारी फेरी मिस हो गई, लेट बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि फेरी का जो लास्ट टाइमिंग होती है वो 7 बजे होती है और आज बारिश भी हो रही है, तो ये चीज़ हमें कन्फर्म नहीं है कि बारिश में फेरी चलती है कि नहीं चलती है, वो जाके ही पता चलेगा। बट आज हमें किसी भी हाल में लंका भी पहुंचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कल जो हमारी फ्लाइट है दूसरी कंट्री के लिए, अगर आज लंका भी नहीं पहुंच पाए तो कल की फ्लाइट मिस होने वाली है पक्की बात। यहाँ से कैब भी नहीं मिल रहे थे, मैंने अंदर से छाता लिया, मैंने कहा वहाँ पर सारे जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो खड़े हुए हैं तो उनसे पूछ के आता हूँ, बट रुद्राक्ष के फ़ोन से हो गई है बुक, अराउंड वही 13-14 रिंगेट लगेंगे, तो फटाफट से पहुँचना, उसके बाद वहीं जाके पता चलेगा क्या सीन है। और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है यहाँ से लंकावी का, क्योंकि लंकावी आइलैंड है बेसिकली, तो आप फेरी से ही जा सकते हो खाली, या तो फिर फ्लाइट करो, बट फ्लाइट इमीडिएट फ्लाइट मिलेगी नहीं आज की, फिर भैया कल सुबह सुबह की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लंकावी विजिट करना चाहते हो बाय प्लेन नहीं, क्योंकि बाय प्लेन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, अगर बाय रोड आप देखना चाहते हो, फेरी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि फेरी का प्राइस कितना है, क्या टाइमिंग्स रहती हैं और किस तरीके से आप पहुंच सकते हो। लास्ट वीडियो आप जाके देख लेना कि अगर मेन कुआलालंपुर सिटी जो कि आपका केएल सेंटर है या फिर आप कह सकते हो एमबी स्टेशन है, वहां से अगर आपको आना हो इतनी दूर तो आप कैसे बस वगैरह ले सकते हो, लास्ट वीडियो मैंने बता रखा है। इस वीडियो में मैं फेरी का एक्सपीरियंस बताने वाला हूं और सारी चीजें इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं कि हाँ आप कैसे फेरी ले सकते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप बाय फेरी ट्रैवल करना चाहते हो लंका भी। वन मोर बैग, या जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप कैसे पहुंच सकते हो फेरी टर्मिनल तक। अगर आप मेन कुआलालंपुर सेंटर में हो, जैसे कि आपका केएल टावर हो गया या एमबी स्टेशन हो गया या केएल सेंट्रल हो गया, ठीक है, तो वहां से आप लोगों को वहां के नियरेस्ट बस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, इंटर मतलब डोमेस्टिक बस स्टेशन, वहां से सिंगापुर थाईलैंड हर जगह की बसेज ऑपरेट होती है, तो कुआलालंपुर का जो बस स्टेशन है वो नॉर्मल कुआलालंपुर बस स्टेशन है, आप लोगों को बस वहां से लेनी है एलोर सेटोर, जो कि आपका पास पड़ेगा कोला केदा जेटी से, ठीक है। अब यहां से अराउंड अराउंड जो कोला केदा जेटी है जहां पर बेसिकली हमारा बस स्टेशन था, जहां पर भी हम लोग उतरे थे, 10-12 किलोमीटर है वहां से, तो फिर आप लोग इजीली यहां से आराम से सुबह सुबह ही पहुंच सकते हो। बट मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग ऐसे आ रहे हो मेन कुआलालंपुर से लंका भी जाने के लिए, तो आप बस रात की पकड़ो ताकि सुबह सुबह यहां पर पहुंच जाओ और आराम से फेरी पकड़ के 1.5-2 घंटे में आप लंका भी पहुंच जाओगे। आपका जो बस का प्राइस पड़ता है, लग्जरी बस जो होती है उसका अराउंड अराउंड पड़ता है 50 रिंगेट पर पर्सन, जो कि हो गया आपका अराउंड 850-900 रुपए 400 किलोमीटर के लिए, बहुत ही कंफर्टेबल बस होती है। लास्ट वीडियो में जाके देख लो, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा था मैंने। कुआलालंपुर पहुंचने वाले लगभग हम मतलब कुआलालंपुर के पास ही थे, बट मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है, ये एरिया इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, यहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा, और बात दे सकते हो आप घर वगैरह या शॉप जो है ना नॉर्मल ऐसी हट्स बनी हुई हैं, और जैसे थोड़ा रूरल एरियाज में घर होते हैं वैसे ही हैं, सड़कें भी वैसी हैं, ग्रीनरी बहुत है। चलो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग पोर्ट पे, कुआलालंपुर जेटी सामने आप देख सकते हो, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वहाँ पे, ये कुआलालंपुर पुलाव लंकावी। ओहो, तो यहीं पर ही एंट्री है, जस्ट लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट देख लेते हैं कितने की है। एट व्हाट टाइम इज द फेरी टू लंकावी? 10:30। सो इज देयर एनी सीट अवेलेबल? ओके सर, गिव मी 2 टिकट्स। सॉरी, पासपोर्ट? ओके, एंड कैन आई गेट विंडो सीट्स? ओके। तो यहाँ से भाई एंट्री है फेरी की, उस सामने फेरी लगी हुई है हमारी, बहुत सही टाइम पे आ गए भाई साहब। यहाँ पर शायद हमें देना पड़ेगा पासपोर्ट, क्योंकि टिकट के लिए पासपोर्ट दिखाया था। थैंक यू। चलो जी, यहाँ से है एंट्री हमारी फेरी की, बारिश हो रही है और एकदम सही टाइम पे आ गए भाई साहब, क्योंकि हम पहुंचे अराउंड अराउंड 10:21 पे, और जो सबसे पहले फेरी थी वो थी 10:30 बजे, और अगली फेरी अब सीधा 12 बजे है, तो अच्छा हुआ सही टाइम पे पहुंच गया, अगर ये छूट जाती ना तो 12 बजे तक का वेट करना पड़ता, और अराउंड 1 घंटा 45 मिनट लगी यहाँ से। ये कुछ ऐसा है यहाँ का पोर्ट, बहुत सारी नाव वगैरह लगी हुई है, बट फेरी एक ही दिख रही है मुझे, उधर है फेरी, और यहीं से आपकी सिंगापुर थाईलैंड
सब जगह की फेरी मिल जाएगी। कॉस्ट सबकी अलग होगी ऑब्वियसली, बट हमें जो प्राइस पड़ा है टिकट का वो पड़ा 69 रिंगेट्स, दो टिकट का तो अराउंड वही हो गया आपका 34.5 रिंगेट्स हो गया। हमारी है ऊपर, कहीं पर आप बैग लगा सकते हो अपने ताकि आपको लेग रूम अच्छे से मिल जाए, जैसा कि महाशय ने हमें बताया कि यहीं बैग डाल दो अपने। कुछ इस तरीके की हमें टिकट मिली है 316 और 317 नंबर। चलते हैं ऊपर। अरे क्या बात है, ये तो खाली सी लग रही है पूरी। 316 और 317। चलो भाई फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं। सामने एरामारा कुआला केडा का पोर्ट, जहाँ से अभी हमने मुश्किल से 15 मिनट पहले टिकट ली और 15 मिनट में हम लोग अंदर आ गए। ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी है वो नहीं, बस आपका पासपोर्ट देखा जाता है और अगर आप यहाँ के ही सिटीजन हो तो यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट होता होगा वो देखा जाता होगा। मैंने यूट्यूब पर फेरी की वीडियोज़ देखी थी, मतलब मैं भी देख के आया था और मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि कैसे आप फेरी ले सकते हो और कैसे लंका भी जा सकते हो। मैंने भी सब कुछ देख के ही किया, बट वो बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियोज़ थी, तो अगर आपको 2022 के बाद आना है, 2022 में आना है, तो आप ये वीडियो पूरी देख सकते हो। और दूसरी चीज़ जो मैंने फेरी देखी थी ना उसमें, अब यार कॉपीराइट ना आ जाए बस ये चल लग रहा है, हाँ तो मैं कह रहा था जो मैंने फेरी देखी थी यूट्यूब वीडियो, तो उसकी विंडोज़ बड़ी छोटी छोटी सी थी, गोल गोल सी, तो मुझे लग रहा था मज़ा आएगा नहीं आएगा, बट ये वाली फेरी थोड़ी एडवांस है, अगर नहीं कह सकते आप। प्राइस जो हमें पड़ा है वो 35.5 अराउंड पड़ा है, मतलब मान लो भाई दो टिकट हमें पड़ी है 69 रिंगेट्स की, और मस्त शीशे हैं बड़े बड़े, और ये देखो बाहर का व्यू कितना बढ़िया है, मज़ा आएगा। 1 घंटे 45 मिनट की लगभग लगभग फेरी है, मैं आपको फेरी का टूर देता हूँ कैसा है। थोड़ी सी फेरी एक बार निकल जाए समुंदर में, उसके बाद मज़ा आएगा और देखता हूँ पहले ये लोग जाने कहाँ का देंगे, एक्सेस कहाँ तक का है हमारे पास। फेरी में ऐसे एसी भी लगे हुए हैं तो इस वजह से ठंड भी बहुत लग रही है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। बारिश हो रही थी अभी तक, बट अब बारिश रुक चुकी है, बट ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है इसकी वजह से। और अराउंड आप ऊपर देख सकते हो कितनी सीट्स हैं यार इसके अंदर, मतलब 350+ सीट्स हैं, पीछे बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है 400 लगभग सीट्स होंगी, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर भी और ऊपर भी है। हमें बस में भी सीट ऊपर ही मिली थी और फेरी में भी ऊपर की मिली है, और लगभग लगभग फेरी खाली है क्योंकि हर 1 घंटे पे फेरी चलती है। टिकट का मैंने आपको बताया था, तो आप सोच सकते हो कि मतलब कितने लोग डेली अप डाउन करते हैं कुआलालंपुर और लंकावी के बीच में। अब यहाँ से अराउंड अराउंड अभी भी कुछ नहीं तो 40-45 मिनट लगेंगे, पहुँचते हैं होपफुली वहाँ पर बारिश ना हो रही, वरना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। चलो यार आपको दिखाई देता हूँ एक बारी, अबे बेबे तो बहुत हिल रही है। ओ भाई यहाँ पर भाई कुछ ऐसा सा है जहाँ से भी हम आए थे, इधर ये चिप्स जूस वगैरह बेचने वाले हैं। आवाज़ कुछ आ नहीं रही होगी, इंजन की आवाज़ है बहुत ज़्यादा तेज। कुछ ऐसा सा व्यू है पीछे, इंजन बहुत तेज चल रहा है। तो यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, यहाँ कुछ बैग्स वगैरह रखे हुए, हमारे बैग हो रहे एक हो रहा। इधर टॉयलेट भी है और तो बस इतना ही, और क्या है, ऊपर भी सिटिंग एरिया, यहाँ पे भी सिटिंग एरिया। मज़ा बहुत आ रहा है यार, बहुत हाई टाइड्स हैं क्योंकि मौसम ख़राब है, इस वजह से फेरी बहुत तेज़ हिल रही है, कोई भी आपको बाहर नहीं दिख रहा, वरना यूजुअली मैंने देखा है यूट्यूब वीडियोस पे कि यहाँ भीड़ लगी रहती है। ज़्यादा फेमस है और वहीं कहीं आगे यहीं पोर्ट, और हमारा टाइम भी लगभग लगभग हो चुका है पूरा पहुँचने का। आ चुके हैं लंकावी ऑल द वे फ्रॉम कुआलालंपुर। सामने देख रहे हो कितनी तगड़ी तगड़ी फेरी खड़ी हुई है सारी, बारिश हो रही है यहाँ पे बढ़िया, मुझे लग रहा था अब घूम नहीं पाएंगे, बस ये दिक्कत होगी और कुछ नहीं। अब चलते हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट देखते हैं आसपास, पहले कुछ मैं खाऊंगा क्योंकि डीजल की स्मेल होती है ना, उससे अजीब सा वॉमिटिंग जैसा होने लग गया था, इसलिए लास्ट के आधा पौना घंटा मैं बाहर आके खड़ा हो गया था, क्योंकि कल से कुछ खाने रखा, पेट एकदम खाली है, मिछली सी आ रही है। तो अब चलता हूँ मैं, देखता हूँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है तो कुछ खाऊंगा मैं,
उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे अगर बारिश अलाउ करती है तो। यहाँ का पोर्ट तो यार कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मेरे को, एकदम एयरपोर्ट जैसी फीलिंग आ रही है। देखो बैगेज क्लेम अराइवल्स सब कुछ है, शायद इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल पोर्ट भी है थाईलैंड सिंगापुर, हर जगह से यहाँ पे फेरीज आती हैं और जाती हैं। बट कुआलालंपुर वाला कुछ इतना खास नहीं रहा। अब यहाँ पर देखते हैं निकल के, यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी चेक कस्टम्स वगैरह होगा कि नहीं होगा, वैसे होना तो चाहिए। वही जैसे एयरपोर्ट पे सिम वगैरह के लिए होता है यहाँ पर भी है। भाई साहब ड्यूटी फ्री भी है यहाँ पे जेटी पॉइंट का। यहीं पर सबवे यार, तो मैं सोच रहा हूँ चलो सबवे खा लेते हैं क्योंकि लंच फिर 3:30-4 बजे भी कर सकते हैं। वही है सबवे में फिर अपना वेजिटेरियन बनवाना पड़ेगा, अपन देखते हैं कुछ भी डलवा लेंगे आ जाओ। तो वही है यार, जैसे मैंने रशिया में बनवाया था, मतलब चीज़ ब्रेड और वेजिटेबल्स और सॉसेसेस वैसा ही बना के और थोड़ा सा पेट में एज अ ब्रेकफास्ट टाइप कर लेंगे। मतलब 11:30 बज रहे हैं, 12 हो गए यार। चलो भाई बन चुका है हमारा दोनों का। ये वाली कुकीज़ भी बहुत बड़ी होती है बट हम जब से हैं कुकीज़ ही खा रहे हैं इसलिए कोई कुकीज़ लेंगे नहीं। तो यार कैश निकलवाना है क्योंकि कैश फिर से ख़त्म हो गया हमारा, तो आज का दिन है तो सिर्फ 2000 रुपये निकलवा लेते हैं। अंदर ही एटीएम मैंने बाहर पूछ लिया, ये तो बंद ही है, चलो इससे निकलवाते हैं इस्लामिक बैंक से। चलो यार फाइनली मलेशिया आखिरी दिन, 100 रुपये का नोट भी देख लिया, 100 रिंगिट्स का सॉरी, मतलब ये नोट अराउंड इंडियन करेंसी में चेंज किया जाए तो 1800 रुपये का है, देख सकते हो मतलब अपना जैसे 2000 का वैसे इनका 1800 का। अलग ही टाइप का मलेशिया नज़र आ रहा है यार यहाँ पे तो, एकदम जैसे कहते हैं ना एकदम ग्रीनरी। मैंने आपको पहले बताया था मलेशिया में कुआलालंपुर या फिर बाकी उसके आसपास की जितनी भी जगह थी वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ है, बट लंकावी इज़ द वन जहाँ पर आप आओगे मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने, बेसिकली गोवा कह सकते हो आप इंडिया का, कि दिल्ली से आप गोवा आए हो एकदम बीच साइड पर, यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ बहुत फेमस हैं और साथ ही साथ बीच साइड पार्टीज़ बहुत कुछ है यहाँ पे करने के लिए, बट हमारे पास सिर्फ एक दिन है तो आज जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और जल्दी आके जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह की फ्लाइट हमारी अराउंड 10:30-11 बजे की, तो एयरपोर्ट पर जल्दी जाना पड़ेगा। होटल पहुँच जाएंगे, चेक इन कर लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग दोबारा शुरू कर दूंगा क्योंकि इस ब्लॉग का स्पेसिफिक जो मैंने रखा था वो सिर्फ और सिर्फ फेरी रखा था और अच्छा खासा लंबा ऑलरेडी ब्लॉग बन चुका है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।